नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं नागदा की खबरों की ओर। सोमवार रात को उद्योग से रवाना हुए केमिकल से भरे टैंकर के पलटने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक लिंक रोड मामले को लेकर कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। यदि समय रहते लिंक रोड पर आवागमन शुरू हो जाता है तो भीड़ भरे रहवासी क्षेत्रों में अचानक इस तरह के हादसे ना के बराबर होंगे। ये तो गनीमत रही कि उस समय ब्रिज पर ना ट्रैफिक था और ना ही टैंकर में से रसायन का रिसाव हुआ। यदि ये दोनों ही स्थितियां निर्मित हो जाती तो हादसा कितना गंभीर हो सकता था, विचारणीय है। आखिर क्यों नहीं दे रहा है प्रशासन ने इस ओर ध्यान? करोड़ों की लागत से निर्मित लिंक रोड बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि उद्योगों में आने वाले और आने जाने वाले भारी वाहनों का शहर से बाहर ही आवागमन हो सके, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और ही है। आखिर प्रशासन का कई बार ध्यान आकर्षित करवाने के बावजूद इस ओर ध्यान क्यों नहीं है, समझ से परे नजर आता है। बैठक में दिया गया लिंक रोड शुरू करने का आश्वासन विचारणीय है। पिछले दिनों बस ऑपरेटरों की बैठक सर्किट हाउस में विधायक एवं जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासन ने ली थी, जिसमें लिंक रोड का भी मामला उठाया गया था, जिसको लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा था कि जल्द रोड चालू किया जाएगा। मेरी डीआरएम से बात हुई फाटक को चेंज करने को लेकर एवं मेरे द्वारा ओवर ब्रिज बनाने की भी मांग की गई है। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने तत्कालीन व्यवस्था बनाकर जल्द चालू करने की बात कही थी, लेकिन कई दिनों गुजर जाने के बाद भी लिंक रोड जो कि करोड़ों की लागत से बना है उसकी सुध नहीं ली गई है। आखिर क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है, या यूं कहें कि कोई काल के मुंह में समा जाए, या प्रशासन की गाज गिरे और कोई अधिकारी निलंबित हो, फिर इस ओर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि लिंक रोड इसलिए बनाया गया था कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार कर भारी वाहन जो कि उद्योग में जाते हैं वह लिंक रोड से जाए, शहर के अंदर कोई भी भारी वाहन प्रवेश न कर सके। टैंकर चालक का कहना, टैंकर पलटी खाने के बाद जब ड्राइवर से चर्चा की तो उसका कहना था कि अचानक मोटरसाइकिल आने के कारण उसे बचाने के चक्कर में संतुलन खो गया, जिसके कारण ट्रक पलटी खा गया। मोटर कहाँ की है, मोटर मालिक कहाँ का है ये? हाँ, गाड़ी भी है, मोटर मालिक भी बम्बई का ही है। बम्बई के है और गाड़ी बम्बई जा रही थी माल लेके। ठीक है, इसमें माल क्या भरा तुम्हें पता नहीं है? माल पता है, ध्यान पे नहीं आ रहा मेरे। क्यों ध्यान में नहीं आ रहा? तुम माल भर के ले जा रहे हो, तुम्हें ध्यान में नहीं? दारू भी रखी तुमने? मैं उसको छूता भी नहीं आज से, ये सर पे लग गया इसलिए चक्कर आ रहा है। अच्छा अच्छा, मेडिकल करवाए तुम्हारा अभी? बिंदास, कहीं पर भी लेके आप चलिए। अभी आ रहे हैं पुलिस वाले, मेडिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमल खाते हैं, बीमल खाए हुए हैं, बाकी दारू का मैं उसको छूता भी नहीं है। अच्छा, तो मैं ये पता नहीं एसिड नहीं, इसमें कौन सा एसिड है? एसिड ही है। तो कागज कहाँ है इसके? कागज होंगे ना? हमें बच्चा बड़ी बार यार, इसको ऐसे पकड़ो। बना था उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, और दूसरा हमने ट्रकों की भी बात करी कि रिंग रोड पूरा निर्माण कार्य हो चुका है, वो निर्माण रोड को चालू करने की बात भी हमने कही है, और जो फाटक शिफ्टिंग था हमने बीच में हमने डीआरएम से बात करी थी, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का एस्टिमेट पहुँचाया है। हम शासन से उसको हमने मुख्य शासन को निश्चित करा कि इतनी राशि भर दे या नगर पालिका कोई भर दे तो ये फाटक शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा सीधा सीधा जो रिंग रोड चालू नहीं होने कारण हो रहा है, उसके कारण उसका हम प्रयास कर रहे हैं। रेलवे और ब्रिज की भी हम प्रयास लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम नगर स्वस्थ रूप से हो, ट्रकों का आवन आवागमन बंद हो और नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हो, इससे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब तक की सारी खबरों के लिए बने रहिए दस्तक लाइव के साथ। नमस्कार।
लेक्सिंस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की ओर से आप सभी देश नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।